और सर अरे टैकल दे टैकल दे पास दे आजा ये इधर जा आगे कम ऑन क्या कर रहा है पास कर पास इस तरफ पास कर अरे पास कर यार शूट 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 जा जल्दी जंप कम ऑन अरे यार और देना यार जल्दी इतनी देर क्यों कर दी अरे माँ घर से निकलने नहीं दे रही थी यार अच्छा चल ठीक है माल निकाल नहीं अब्बा आज मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ हाँ हाँ कल सुबह मैं आ जाऊँगा ठीक है अब्बा क्या बंटा है घर नहीं जा रहा ऐसी हालत में जाऊँगा तो घर से निकाल देंगे कल सुबह चला जाऊँगा ये लड़के पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम करते हैं ड्रग्स शराब गुंडागर्दी लड़कियों को छेड़ना उनकी आबरू से खेलना ऐसा कोई काला काम नहीं है जिसे लड़कों ने नहीं किया कॉलेज के नाम से घर से निकलते हैं पर दरअसल ये अपने माँ बाप और समाज के हाथ से पूरी तरह निकल चुके हैं कैसे है बंटे हाँ सब मस्त क्या बोले तेरी बाइक खराब है क्या अरे हाँ यार इससे मिल अपना दोस्त है आनंद हाँ बोलो रिया कहाँ है तू मैं कब से इंतजार कर रही हूँ ठीक है मैं अकेली चली जाऊंगी अरे नहीं रुक रुक मैं आ रहा हूँ तू वही रुक तू टेंशन मत ले बस दो मिनट ठीक है जल्दी आ सॉरी यार मुझे जाना होगा रुकना भाई चाय तो पी के जा अरे नहीं यार मुझे निकलना तो है दम मर ले मुझे लेट हो रहा है ओके बाय 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 बाद में मिलते हैं बंटा एंजॉय कर इसको इतनी आग क्यों लगी है अरे आइटम वेट कर रही है ना शाम को मिला मिलते हैं अपने को कब रावस आइटम मिलेगी यार मिलेगी थोड़ी सीधा उठाना पड़ेगा शिकार आ रहा है बॉस चल रे कुआ प्यासे के पास आ रहा है चल चल आशीर्वाद दे रहा है तुझे सैम क्यों ब्रदर लाइसेंस दिखा अरे छोड़ो ना साहब हैप्पी न्यू ईयर है हैप्पी न्यू ईयर टू यू लाइसेंस नहीं तो फ्यूज दिखा सर गाड़ी का पेपर दिखा हैप्पी न्यू ईयर मामा अरे यार पैसा खर्च करके जो चढ़ाई थी वो सारी चिल्ला चिल्ला के उतार दी
हैप्पी न्यू ईयर सुधा। बीच पर हूँ, दो मिनट में। अरे फोन रखना। दो मिनट मतलब एक और एक्सीडेंट कर रहेगा, नीचे उतार मुझे। टाइम नहीं है, उतरना है तो उतर जा। दादाजी जगह खाली रखना, मैं ऊपर आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा नींबू भी चटा तू दूध ही पिया कर। जब आदत हो तो इतनी क्यों पीता है। हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्त। हैप्पी न्यू ईयर सुधा। थैंक्स। तुम्हें बताया था ना वो लूज को, यही है। भाई साहब मेरे बच्चे के हाथ से बलून क्यों छीना? कौन है ये? लो वापस। सॉरी गलती से हो गया। तुम्हें अक्कल है या नहीं? इसको बहुत है जो आधी रात को तेरे लिए टाइम वेस्ट कर रहा है। नए साल में से सबसे पहले मेरा ही चेहरा देखना था इसलिए। मैंने ऐसा कब कहा था? झूठ मत बोलो। ए, मारो मत। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, तुमने 10 बजे फोन करके कहा कि सुधा 12 बजे तक आ जाएगा। अरे तुम तो कुछ भी बोल रही हो। सबको ढिंढोरा पीटेगा। जीवा हमारी शादी में आओगे ना? अगर तुम मेरी शादी में नहीं आए ना तो मैं तेरा खून कर दूंगी। मुझे और जीना है। मुझे दो एक मिनट, मुझे दो लाओ। भालू अच्छे? इतने में तो एक बोतल भी नहीं आती, ऊपर से सिगरेट चखना और सोडा भी लेना है। जाने दे, देसी से काम चला लेंगे। हाँ चलेगा यार। ए जीवा इधर है। ए जीवा इधर आ। आज की पार्टी का जुगाड़ हो गया, देख इसको हलाल करता हूँ। चल चल पीछे हट। आजा बैठ। शर्ट मस्त लग रही है। तुम लोग कब आए? 30 साल पहले ही आ गया था। छोड़ ना यार। दोस्तों आज की शाम जीवा के नाम। क्या बोला तू? मैंने जोक मारा क्या? ये जोक नहीं था तो फिर क्या था? तेरी जेब में पैसे तो है ना? तुम लोगों को पीने के लिए पैसे के लिए। रुक। क्या फाइनेंसर ढूंढ रहा है? रीमा को साथ क्यों नहीं लेकर आई? सुधा सुधा क्या है? अरे इधर आना। मैं भी आती हूँ। ठीक है क्या हुआ? आओ बैठो, बैठो ना, बैठ। क्या हुआ? पैसे चाहिए। किस लिए? पीने के लिए। मेरी शादी में आकर तो मुझसे पैसे मांग रहा है? तो फिर क्या, तेरी मम्मी से मांगूं या फिर तेरी सास से मांगूं? तू पैसे दे रही है? नहीं नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं दूंगी। ए चलो यहाँ से। जीवा असर हुआ ना? क्या? प्लीज यहाँ लौट कर मत आना, बचा हुआ खाना हम गरीबों में बांट देंगे। ठीक है? सुन अबे साले लड़की से पैसे मांग रहा है, हम भीख मांगे लगते हैं क्या तुझे? तुझे पैसे चाहिए या नहीं? इज्जत का कचरा होता है। कचरा उनका होता है जिनकी इज्जत हो। मैंने सोचा था शादी में खूब पीऊंगा और पी के नाचूंगा। छोड़ ना यार, मेरा टल्ली होने का पूरा प्लान चौपट हो गया। अबे टल्ली, टल्ली होने से अवार्ड मिलेगा क्या? जितना पैसा उसे चला लेंगे। चल से लड़की है वो बच्चे वाली? लड़के वालों की तरफ से लग रही है। She is so cute. Hi. Hi. लाओ मुझे दो। अकेली आई हो? मम्मी पापा नहीं आए? सुधा उससे बात कर रही है। सुधा इधर आ। मैंने बोला ना तुझे पैसे नहीं दूंगी। उसका इंतजाम हमने कर लिया। वो ब्लू ड्रेस में लड़की कौन है? तेरे रिलेशन में? मेरी क्लासमेट है। लूज क्रू, वो स्कूल में थी। स्कूल में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। मैंने उसको पहले कभी देखा नहीं ना? नहीं। उसका नाम क्या है? प्रिया। तू क्यों पूछ रहा है? उससे चक्कर तो चलाना है। अच्छा मैं उसको पूछ के आता हूँ। जीवा एक्सक्यूज मी। तुम्हारा नाम प्रिया है? हाँ क्यों? तुमने कभी किसी से प्यार किया? नहीं किया। यहाँ कोई पसंद आया? नहीं। ओके ओके। अब एक्सक्यूज मी। हाँ तुमने ये सब क्यों पूछा? वो ऐसे जनरल नॉलेज के लिए। कंटिन्यू। ए वो लड़का कौन था? पता नहीं, मैं नहीं जानती उसे। कुछ भी बोले जा रहा था। अंकल अंकल। क्या हुआ? वो आइसक्रीम वाले अंकल मुझे आइसक्रीम नहीं दे रहे। अच्छा? मेरे को चाहिए। आओ मैं दिलाता हूँ। सुनो
बच्चे को एक आइसक्रीम दो ना। खाना शुरू होने से पहले सर हम आइसक्रीम काउंटर नहीं खोल सकते। छोटा बच्चा है यार, एक दे दो तो क्या फर्क पड़ेगा। सर एक को देंगे तो फिर सबको देना पड़ेगा। उतर बेटा, एक आइसक्रीम के लिए बच्चे को रुला रहा है। हट। आइसक्रीम बट रही है, सब लोग आ जाओ। पहले कहा था तो समझ में नहीं आया। ए, रुको रुको रुको, एक मिनट सबको मिलेगा। ए, चिल्ला मत, खेलो, जाओ 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 जाओ। ए, रुको रुको रुको, अरे बोलो ना, दे रहा हूँ। ए, झगड़ा मत करो इसके लिए, मिल बांट के खाओ। हाँ मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। ए, रुको, क्या नाम है तुम्हारा? जीवा नाम है मेरा। लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की? सुधा का लवर हूँ। What? किस्मत ने हमें एक होने नहीं दिया। मुझसे तुमने वो बात क्यों पूछी? कौन सी बात? यही कि मेरा कोई लवर है या नहीं। हाँ तो तुमने झूठ बोला ना, और मैं झूठी लड़कियों से बात नहीं करता। मैंने झूठ नहीं बोला। अंकल आंटी को मत देखो, मुझे आई सुन लो। तुम इतनी सुंदर हो, तुम पे आज तक कोई लट्टू नहीं हो, यही तो झूठ बोला तुमने। हुआ ना, टेंथ में थी तो दिनेश ने प्रपोज किया था, और जब इलेवेंथ में थी तो यानी तुम्हारा लव भी फेलियर रहा। पता नहीं हम दोनों को कौन कब मिलेगा। कौन था वो लव फेलियर? क्या मेरा लव फेलियर? ये तो क्या बोल रही है? मैं कुछ भी बोल रही हूँ क्या? और क्या यार, वो मुझे कंफ्यूज कर गया। कहाँ चला गया वो? अभी तो यही था, मुझे उससे मिलना है। रवि टेरिस पे पार्टी करने जा रहा है ना, ठीक है जा। बेचारी पूरे हॉल में मुझे ढूंढ रही होगी। तूने उससे बात आगे क्यों नहीं बढ़ाई? अबे लड़कियों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, लड़कियां हमारे पीछे भागनी चाहिए, समझा? अच्छा तो ये बात है। Excuse me? देखा आ गई, सुन जैसा बोला था ना वैसा बोल दे। हाँ ठीक है, जा बोल दे बोल दे। किससे मिलना है? जीवा है। अबे तुझे पूछ रही है। अच्छा, जीवा अभी बिजी है, वो मिल नहीं सकता। क्यों क्यों? वो बेचारे की गर्लफ्रेंड की शादी है, इसीलिए वो सदमे में। यानी ये सच है कि जीवा सुधा का लवर है? मुझे अभी उससे मिलना है। लेकिन रुक जाओ, उसे डिस्टर्ब मत करो। कुछ भी हो, रुको, मैं मिलती रहूंगी। आने दे, आने दे। तुम यहाँ क्यों आई हो? शराब से क्या होगा, इस तरह पीने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, पर मन तो हल्का हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि अतीत के बारे में सोचने से वर्तमान बिगड़ जाता है। प्यार कोई फूल नहीं है जो किसी गमले या मिट्टी में लगा दो। प्यार तो चांद की तरह होता है, बादल जब छाते हैं चांद उनके बीच कहीं खो जाता है, लेकिन जब बादल छटते हैं चांद फिर से दिखने लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक किसने दिया है? म्यूजिक छोड़ और पिक्चर देख। लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है, जब लाइफ में अंधेरा छा जाता है ना तो सूरज की रोशनी उस अंधेरे को चीरती हुई उजाला लाती है। ये क्या हुआ? लगता है कैंडल लाइट डिनर करना पड़ेगा। संभल के पकड़ना। हाँ ठीक है माँ। सेल्फी लेना। ये लो। अरे धर्मा, बत्ती का जाना अपशकुन होता है। लड़की अभी बहू भी नहीं बनी और ये सब होने लगा। मुझे तो ये कोई पनौती लगती है। तुमने कुंडलियाँ ठीक से मिलाई तो थी? हाँ, मिलाई थी। मैंने तो पहले ही कहा था लड़की पनौती है, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। आंटी, इस तरह की बातें क्यों कर रही है? बिजली गुल हुई तो इसमें लड़की का क्या दोष है? इसमें शुभ और अशुभ जैसी बातें क्यों करना? ऐसा कुछ नहीं होता। जीवा, जब से लाइट गई है ये तो रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। क्या है बेटा? ओए जूनियर, क्यों रो रहा है? क्या हुआ बच्चे? ना ना ना, रोना नहीं रोना नहीं। देखो जीवा अंकल आ गए। एक मिनट रुकना, रवि इधर आ, तू उधर जा। देखा जीवा? अरे आ ना यार, गोटिया यार है, उसने मुझे बुलाया। फोटोग्राफर पैसा वसूल, फोटो निकाल। क्या बात है, तूने आज हमारे बचपन की दोस्ती वाले लंगोट की लाज रख ली। तुझे इसलिए बुलाया ताकि तू मेरे पास रहे तो मैं गोरा लगूंगा। क्या? बाय सुधा। बाय जीवा। मिलते हैं घर पे खाना खाने आना। क्यों, अगर सैटरडे आऊंगा तो खाना नहीं खिलाऊंगा? अरे क्या यार। बाय आंटी। ये लड्डू फोन करना मत भूलना। देखता हूँ कौन किसे भूलता है। हाय बेटा। ओए गणेश जल्दी कर, मैं जा रहा हूँ। भाई थोड़ा पापड़ और बिरयानी कल सुबह के लिए डब्बे भर कर ला रहा हूँ। हाँ माँ बोलो।
बाय प्रिया। मैं जा रही हूँ, बाय। अपना नंबर ढूंढ के भी किसी लड़की को मत देना। अबे नंबर नहीं देंगे तो लड़की फोन कैसे करेगी? अबे जिसको बात करनी होगी वो नंबर ढूंढ के कर ही लेगी। मैं नहीं मानता कुछ भी। प्रिया का फोन जल्दी आएगा तो देखना। ए! 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 थोड़ा फौज में दौड़ा। रुक मत। ठंडा करके रख दिया कमीना कहीं। हाँ बना लो, खुद ही बना लो। फादर मैं आपकी कुछ मदद करूं? दाढ़ी बन गई मेरे लाल। सिस्टर क्या देख रही हो? बहना खाना लाऊं और? हाँ मैं ले लूंगी। नेचर भी देख लो भैया। रिमोट दो मुझे। नहीं दूंगा। मैंने चार बार देखा है, मुझे फिर से देखता है। भैया प्लीज मेरा सीन छूट जाएगा, दो ना मुझे रिमोट दो। दो मेरे को, तो मैं मार दूंगी। देखो मुझे मार रही है। नहीं दो तो और मारूंगी। अब रिमोट मत लेना, सुन रहे हो ना? जा रहे। हाँ बोल। कहाँ? पानपति पर। ठीक है भाई रुक, मैं आ रहा हूँ। पापा आपकी जेब से 200 रुपए निकाले। अरे सुन, मेरे पास सिर्फ उतने बचे थे, उसमें से 50 तो दे दे। मम्मी से ले लो। मम्मी से लूं? सुनो तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्या कहा, घर में क्या पैसे का झाड़ लगा है जो तोड़ के दे दूं? मैं जो पैसे बचाती हूँ सबकी नजर उस पे होती है। ठीक है गैस वेस्ट हो रही है। मैंने गैस बंद कर दिया है। कोई भी बाइक ले लेता है, पैसे चुकाने की औकात नहीं। सुबह सुबह यहाँ मंडली जमा रखी है, बाइक उठाने नहीं गया? क्या रे कुछ भी बोलता है, तुझे क्या मैं बाइक चोर लगता हूँ? एक दूंगा उल्टे हाथ का। घर घर जाके बाइक नहीं उठाता लोगों की, पूछने पर बोलता है कि बैंक एम्प्लॉई हूँ। साला अच्छा, चूना लगाता लोगों। एक बार जरा मेरा काम करके देख, तब तुझे पता चलेगा कितने जूते घिसने पड़ते हैं। ये काम हलवा थोड़ी है। एक दिन मैं भी बड़ी कंपनी खोलूंगा और तेरे जैसे लोग मेरे इशारों पर काम करेंगे। मुन्ना चाय। क्या रे तेरे 5 मिनट अभी खत्म हो रहे हैं? सॉरी यार। अच्छा बोल क्या काम है? मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो जाओ उस पेड़ से बात कर ले। अबे अर्जेंट बात है, मजाक करना। हाँ मुझे मालूम था तुझे क्या चाहिए, ये ले। अरे क्या कर रहा है? मुझे 5,000 की जरूरत है। 5,000 का आईफोन खरीदेगा क्या? आई नहीं, आईफोन खरीदा। मैं सच में कह रहा हूँ मुझे बहुत जरूरत है। रहने दे, ये 200 रुपए मेरे ही काम आ जाएंगे। आया बड़ा। अबे रवि तेरे पास है क्या? बाइक में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, तुझे 5,000 दूं। हे जीवा तेरे पास आरसी बुक है क्या? हाँ है। तो वो आरसी बुक मुझे दे दे, उसके बदले मुझे पैसे मिल जाएंगे। आजकल आरसी बुक के पैसे मिलते हैं क्या? थैंक्स यार, मैं शाम को मिलता हूँ। चल निकलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। शाम में मिल। अरे उसको बोलना था ना पैसे नहीं है, सटाक से आरसी बुक निकाल के दे दी, पागल है क्या? यार पैसों की जरूरत। तो बोलना था ना बैंक से लोन ले। सुबह का फोन है। ए नहीं ना बिली दुल्हन कैसी है? ठीक हूँ। हस्बैंड कैसा है? नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है अब जल्दी पॉइंट पर आ जा। अच्छा सुन, तुझे मेरी फ्रेंड प्रिया का फोन आया? नहीं आया, पर मुझसे तो उसने नंबर लिया था। मैसेज आया? एक काम कर, तू मुझे उसका नंबर एसएमएस कर, मैं उससे पूछता तूने फोन क्यों नहीं किया। ना भेजू तो? भेज ना अभी। हेलो, कट कर दिया। क्या हुआ? जीवा को प्रिया का नंबर चाहिए। प्रिया का नंबर?
तो तुझे भी प्यार का जुकाम हो गया। नहीं यार। जीवा का फोन है, उसे तेरा नंबर कैसे मिला? मुझे क्या पता। एक बात सुन, उसे बिल्कुल भी एहसास मत होने देना कि तुझे उसे प्यार हो गया। पता कर कि उसने तुझे फोन क्यों किया है। ओके। उसे पूछ नंबर कैसे मिला। हेलो। हेलो, प्रिया बोल रही हो? जी हाँ, प्रिया बोल रही हूँ। कैसी हो? आप कौन? मेरी आवाज नहीं पहचानी? नहीं। अच्छा, कुछ दिन पहले तो मिले थे? भूल गई? नहीं याद आया। ओके, चलो बाय। हेलो हेलो हेलो, उसने फोन काट दिया। कट कर दिया? ठीक है, तो उसे फोन लगा, लेकिन मैं क्या बात करूँ? कुछ भी बात कर, उसे पूछ क्या वो जीवा है। उसे बोलना कि तूने उसकी आवाज नहीं पहचानी। क्यों फोन काटा उसका? अरे वो फोन करेगी। हेलो हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। चमड़ी बोलो। तुम जीवा हो ना? चलो अब जाके तुमने मेरी आवाज तो पहचानी। अचानक तुम्हारा फोन आ गया, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। ये तुम्हारा नंबर है? क्यों, सुधा ने तुम्हें नंबर नहीं दिया? नहीं नहीं, वो सुधा, मुझे तुम्हारा नंबर सुधा ने ही तो दिया था। पता नहीं मैंने वो लेकर कहाँ रख दिया, अब शायद डायरी में हो। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत लो। वैसे तुमने मेरा नंबर लिया क्यों था? तुमसे बात करने के लिए। तो बात करो। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अभी तुम कहाँ हो? अपने फ्रेंड्स के साथ। और तुम? मैं भी अपनी फ्रेंड के ही साथ हूँ। और बता। और नाश्ता किया? किया। और तुमने? कर लिया। और क्या खाया तुमने? इडली खाई। और तुमने? मसाला डोसा। और क्या खाया? क्या खाया बोलो ना। और आज शाम को हम लोग मिले? किस लिए? ठीक है, बाय। नहीं नहीं, मिलेंगे ना। कहाँ पर मिले? ओबराय मॉल में मिले। ओके, तो हम ओबराय मॉल में मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। पागल है क्या तू? उसे मिलने के लिए आके राजी क्यों हो गई? उसने अचानक पूछा तो मैंने हाँ बोल दिया। गॉड, एक बात सुन, ये लड़के जो है ना, कुत्ते की दुम होते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, सीधी साधी लड़की दिखते ही झूठ की नदियां बहा देते हैं। अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं जान दे दूंगा। जान देना हलवा है, मरने में कितनी मेहनत लगती है समझ लो। अगर गिर गया और सिर्फ हाथ पैर टूटा तो सीधा बैक टू मंदिर की सीढ़ी। इसलिए मैं लिख के देती हूँ कि वो जान वान नहीं देगा। अगर तूने उसको भाव नहीं दिया तो वो तेरे तलवे चाटेगा। एक जरूरी बात और, उसने कहा था कि उसे प्यार में धोखा मिला है, जरूर कोई वजह होगी। तेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, समझ गई ना? हे, मुझे घबराहट हो रही है, तू भी साथ चलना। अगर वो तुझे पसंद आया तो मैं उसको हाँ बोल दूंगी। ओके, मुकरेगी तो नहीं? प्रॉमिस। प्रॉमिस। कहाँ? मॉल में ही हूँ। किधर? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट? प्रिया, प्रिया इधर। ओह हाय, मैं आती हूँ। एक बात सुन, हाय का जवाब हाय से देना, भाव तो बिल्कुल मत देना, ही भी मत करना। हाँ, समझ गई ना? ही। मस्त लग रहा हूँ यार। हाय। 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 प्रिया, प्रिया। हाँ, बैठो। ओह, माय फ्रेंड ज्योति, हम साथ काम करते हैं। हाय। ड्रेस अच्छी है प्रिया। ऑनलाइन ली, 850। अच्छा, वेरी नाइस, सुपर्ब। सर, आलमंड फिक्स संडे, मोका मैजिक संडे, पुफी फ्रूट संडे, बटर स्कॉच ब्लास्ट चॉकलेट संडे, क्या लोगी? जो तुम्हें अच्छा लगे मंगवा लो। तो फिर ड्रिंक हो जाए। अब बता ना तुम्हें क्या खाना है? मुझे वेनिला। मैं भी। मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी और। रुको रुको रुको, मुझे भी स्ट्रॉबेरी। दो स्ट्रॉबेरी, एनी चेंजेस? हाँ, दो स्ट्रॉबेरी, एक वनीला। ओके सर। थोड़ा आराम से आना। क्या प्रिया, तुम अपने फैसले खुद नहीं ले सकती?
तुम ये डिसाइड नहीं कर पाए तुम्हें क्या खाना, तो तुम अपनी लाइफ के बारे में कैसे डिसाइड करोगे? अपने फ्रेंड्स से पूछोगे कि तू बताना, हमें अपनी लाइफ के बारे में खुद सोचना होता है। इसकी बातों में बताना। तुम्हारी फ्रेंड क्या बोल रही है? ये तुमसे कुछ पूछना चाहती है। हाँ तो पूछो। तुम्हें लड़कियों को घूरना पसंद है ना? ये क्या बच्चों जैसा सवाल हुआ? लड़कियों को घूरना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे गार्डन हो या फिर थिएटर। थिएटर में बालकनी की टिकट लेते हो? पागल हो गई हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? बालकनी की टिकट तो वो लोग लेते हैं जो सिर्फ ताली बजाते हैं और कहते हैं वेरी नाइस सीन। अपने को ये खुसुर पुसुर नहीं जमता है। हम तो स्टॉल में बैठ के गाना गाते हैं, सीटी बजाते हैं और फिल्म को एंजॉय करते हैं। मेरे साथ चलोगी फिल्म देखने? क्या तुम रिच फैमिली से हो? नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से। पर देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अरे गरीब के अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, महंगे कपड़े पहनने से आदमी में कॉन्फिडेंस आता है। तुम हमेशा हमेशा खुश रहते हो? मैं तभी दुखी होता हूँ जब मेरी माँ मुझ पर चिल्लाती है। आपकी माँ तो बहुत सीधी है सर। तू मेरी माँ को ज्यादा जानता है। सॉरी सर। जा शुरू करो। प्रिया कह रही थी तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। सोच ही रहा था ये अब तक पूछा क्यों नहीं। हाँ धोखा तो दिया था। क्या प्रॉब्लम थी? वो गुंडे की बहन थी क्या? तो बाप मंत्री था? नहीं। दहेज ज्यादा मांगा था? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? एक मिनट सुधा। ओ हमारी फ्रेंड। ओ हेलो, क्या हुआ? क्या कर रही है? खाना खा रही हूँ। हस्बैंड है? पराठे बना रहा है। पराठे बना रहा है? फोन देना जरा उसे। जीवा है। हेलो सर। क्या सर, अभी से पराठे बनाना शुरू कर दिया? सही कहा। शादी करके फंस गए हो प्यारे, सुधा ने बावर्ची बना दिया तुम्हें। अरे बस भी कर यार, मुझे फोन दो तो। ए क्या हुआ, मेरे पति को तंग क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, मैं और प्रिया आइसक्रीम खाने आए हुए हैं। ओ तो बात यहाँ तक पहुँच गई। हाँ नहीं, तू जैसा सोच रही वैसा नहीं है, कोई लव वव नहीं है। प्रिया हमारे चक्कर के बारे में पूछ रही है। लो बात करो उससे। क्या बोलूं उससे? बात करो। क्या बात करूंगी? अरे तुम्हारी ही फ्रेंड है। हाय सुधा, कैसी हो प्रिया? फाइन। तुझे उसने बताया कि हम दोनों का कभी चक्कर था? तो भी ना, किसी भी लड़की को पटाने के लिए वो हमेशा इमोशनल स्टोरी झाड़ता है। एक नंबर का चालू है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मुझे लगता है वो तुझसे प्यार करता है। और तू भी उससे करती है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं तुम दोनों को जानती हूँ। ओके क्या कर रही थी? तुम्हें प्यार में धोखा मिला था? मार डालूंगी। मार डालो। कैसी हो प्रिया? जीवा मुझे लगता है डैड को हमारे बारे में पता चल गया है। कैसे? क्या पता, वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पापा को मैं पसंद तो आऊंगा ना? हो सकता है, बट जब तुम डैड से शादी की बात करोगे तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। वो खुश होंगे कि उन्हें एक अच्छा दामाद मिलने वाला है। हे, प्लीज मजाक मत करो। अच्छा सुनो, प्लान चेंज, तुम मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगा। तुम अपने पापा को खुद संभाल लेना। बोलो। प्रिया है अंकल? तुम कौन हो? जीवा, प्रिया का फ्रेंड। ओ कम। कुछ लेकर आऊं? हाँ क्या लोगे, कॉफी या चाय? जूस चलेगा? इनके लिए जूस ले आओ मीना। ठीक है। अच्छा प्रिया से जाकर कहो उसका फ्रेंड जीवा उससे मिलने आया। एक्चुअली अंकल मैं आपसे मिलने आया हूँ। ओह ऐसी बात है, बैठो मैं आता हूँ। जी दीदी। आपसे मिलने को जीवा आया है? नो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताओ? अरे घबराओ मत, बता भी दो। वो अंकल। हाय जीवा। हाय कैसी हो? फाइन। पापा ये सुधा का फ्रेंड है, उसकी शादी में मुलाकात हुई थी। क्या क्या प्रिया? मैं बस दो मिनट में आई हूँ। बताओ भी मैटर क्रिमिनल है या सिविल? नहीं अंकल वो बात ये कि। तो फिर एक मिनट। हेलो बोल रवि। मना किया था ना, तू तो मेरे घर पर क्यों आए? इतना डर क्यों रहा है? प्लीज यार पापा को कुछ भी मत बताना, ठीक है? अंकल एक लैंड देखी जो अच्छी लगी है, मैं सोच रहा हूँ एडवांस दे दूं, लेकिन फ्रेंड मान नहीं रहा है। नहीं नहीं तुरंत एडवांस दो और लैंड बुक कर दो, वरना कोई और आकर खरीद लेगा। ठीक है सुन लिया, अंकल ने बोला है कोई और कब्जा जमा लेगा। जीवा प्लीज यार, अगर तुम चुप रहे ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे किसेस दूंगी। तो प्लीज 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 प्लीज।
और दो। ओके बाय। बाप रे पागल है। प्रिया ने मुझे पहले प्रपोज किया था अंकल, पूछ लीजिए इससे। हाँ थैंक्स आंटी। अंकल प्रिया ने बताया था कि आप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आके आपसे मिल लूं। अगर आपको लगता है कि मैं उसके लायक हूं तो आपका भी टाइम बचेगा और हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। हैप्पी ना? बेकार में राय का पहाड़ बनाया हुआ था। बेटे तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। आजकल के बच्चे ऐसे फैसले खुद ही कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स को बताए बिना ही कहीं भाग कर शादी कर लेते हैं। आजकल की जनरेशन बस चुटकियों में अपने फैसले करती है, इसलिए अलग भी जल्दी हो जाते हैं। अब कोर्ट में ही देख लो, 85% डिवोर्स केसेस लव मैरिज से होने वाली प्रॉब्लम की वजह से ही होते हैं। अगर खुश रहना है तो लव मैरिज कभी नहीं करनी चाहिए। मैं तो अरेंज मैरिज की बात करने आया हूं सर। करेक्ट है, पर हाँ लव से होने वाली अरेंज मैरिज में भी काफी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें तो हर शादी में होती है अंकल, क्या आपकी और आंटी की शादी में नहीं हुई? क्यों आंटी? दिक्कतों का पहाड़ बन गया था। शादी के बाद में मैके चली गई थी, ये मुझ पर हाथ उठाते थे। अरे 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 अब तुम भी क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई हो। वैसे तुम क्या काम करते हो बेटा? जी बस अभी इंटरव्यू दिया ही है, 6 महीने में नौकरी लग जाएगी। और पापा? वो एक टैक्सी ड्राइवर है। घर खुद का है? नहीं रेंट का है। ना तो जॉब है, ना फैमिली बैकग्राउंड है, ना खुद का घर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? मुझे जॉब मिल जाएगी सर। लेकिन मैं कैसे मान लूं? आप विश्वास रखिए, प्रिया से पहली बार मिलते विश्वास हो गया था कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, और देखिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ। कहने और करने में फर्क होता है। ठीक है, जब तुम्हें जॉब मिल जाए तब यहां पर आना। अगर तब भी तुम्हारा और प्रिया का रिश्ता कायम रहा, मतलब तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ, तो हम इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। ओके? क्या अंकल आपको लगता है 6 महीने में प्यार कम हो जाएगा? प्रिया मेरे लिए ही बनी है, हमारा प्यार और बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलता हूं अंकल। बाय प्रिया। नमस्ते आंटी। पापा मैं जीवा को छोड़कर आऊं? हे, एक मिनट रुक जाओ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्रॉब्लम सॉल्व ना, बात जो भी हो अपने परिवार से खुलकर डिस्कस करनी चाहिए, कम बोलने की वजह से गलत फहमियां होती हैं। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। चलेगी 9 से 12? तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें कोई ना कोई जॉब करनी ही पड़ेगी। अब मैडम ने बोल दिया है तो कल से काम शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा, जीवा रेडी नहीं हुआ तो यहीं आ जा। ये साले तू सुबह सुबह नहा धो के तैयार कैसे होता है? आजकल परफ्यूम मारता हूँ, 250 रुपए का 3 डब्बा। फोन कहाँ है? हाँ ये रहा। कैसे मामा? क्या बेटा नौकरी लग गई? हाँ मामा, वो बैंक ऑफिसर की नौकरी है। बेटा मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं कल ही बद्रीनाथ जाके 11 रुपए चढ़ाऊंगा। खुश हो ना आप? किसने बताया आपको? कल ही माँ ने फोन करके बताया था। टाई बांधना कला है, समोसा बनना। और मामी जी कैसी हैं? ठीक है, उनको फोन दीजिए जरा। एक मिनट, मैं बात करता हूँ। आप जिस कस्टमर से बात करना चाहते हैं वो दूसरे कॉल पे पूरी तरह से मस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। चल फोन रख। काम के लिए निकल रहे हो? तुम्हारा स्टार साइन क्या है? शादी के लिए अभी से कुंडलियां मिला रही हूँ। पहले तेरी बहन की शादी तो हो जाने दो। मैं मंदिर में तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आई हूँ। मेरी राशि कर्क है। राशि और नक्षत्र बताइए। कर्क केति। पूसा नक्षत्र? पूसा नक्षत्र। आई लव यू। आई लव यू। थैंक्स सो मच सदा, पर किसने बताया? और किसने? प्रिया ने। अब सीधा पेपर में छपेगा। मुझे एक पार्टी चाहिए, वो भी 5 स्टार। हेलो हेलो हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा है। जीवा ऑल द बेस्ट। थैंक यू दी। भाभी ने बताया तुम्हारे कामकाज पहला दिन है। हाँ दी। तो भैया आज शाम को आप क्रिकेट खेलने नहीं आओगे? पहले तू स्कूल तो होके आ जा। बाय जीवा। ओके बाय बेटा। चल खुश रहो। संभल के जाना। जिंदगी में जो भी काम करना पूरी ईमानदारी से करना। हाँ पा। All the best. Thanks पा। लोगों को आजकल गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए संभल के जाना। पा। भूल गया, अरे मैंने पहले से निकाल के रखे हैं।
ये ले 200 रुपए। माँ क्या चाहिए? पापा ने दिए ना, अब जा। अब आपको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। कभी नहीं सुधरेगा। अरे सुन, माँ को मत छोड़ना, इनके पास बहुत काला धन है। मैं बस निकल ही रहा हूँ, संभल के जाना। हाँ, आजकल लोगों का ध्यान रोड पे नहीं मोबाइल पर ज्यादा होता है। ये ले 20 रुपए। जीवा को सिखाने की जिम्मेदारी। माँ क्या ये कम है क्या? आजकल 20 रुपए में वड़ा पाव भी नहीं आता। चलो ठीक है। याद रख, मेरी पहली सैलरी आएगी ना, उसमें से तेरे लिए कुछ लेके नहीं आऊंगा। और ये मेरा प्रॉमिस नहीं, कमिटमेंट है। कमिटमेंट वाले, चलना सलमान का भाई, जूते पहन, चल इडली खाते हैं। काओ 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 काओ। क्या शीला, अपने पति को बुला रही हो? नौकरी लग गई तो बहुत खुश हो? आ आ आ आ आ आ। एक लड़की के टुकड़े करके फेंक दिया। हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, तभी सुधरेंगे साले कमीने। जो देखा वो भूल जा और काम पे लग जा। दुनिया की सोचेगा तो कलेक्शन की वाट लग जाएगी। शाम को मिलता हूँ। राजेश सर है? वो तो नहीं है, ऑफिस गए हैं। उन्होंने मुझे सुबह बुलाया था। वो तो शाम को ही आएंगे। सर, बांधा बैंक से रवि बोल रहा हूँ। मुझसे बात करने से कुछ नहीं होगा, मैं बाइक उठा के ले जा रहा हूँ, मैनेजर से बात कर लेना। सर सर एक मिनट रुकिए सर, मैं देखती हूँ। दिमाग खराब कर रखा है, मुझे नौकर समझा है क्या? बाकी के पैसे दो या अभी बाइक उठा के ले जाता हूँ। एक घंटा रुको ना भाई, तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। क्या दोनों घंटे ले लो, पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं, यहीं बैठा हूँ। लंच ऑर्डर करो। कुछ बोनी हुई क्या? कितना कलेक्शन हुआ? 5 कलेक्शन हो गए। क्या बात है। हाँ, सबने कहा कल पैसे ले जाना। कलेक्शन क्या खाक हुआ? पहले कहाँ गया था तू? एक्सक्यूज मी सर, आई एम कमिंग फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। बाइक की पेमेंट लेने आया हूँ सर। कौन है बे? काहे चिल्ला था? क्या मैं रईस खान साहब से मिल सकता हूँ? हम ही है, बोलो क्या काम है। क्या है कि मैं आईसीआईसीआई बैंक से आया हूँ। आपने अपने 3 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, वही लेने आया हूँ साहेब। कल हमारा बचवा बीमार पड़ गया रहा, हॉस्पिटल के लफड़े में सारा पैसा खर्च हो गया। ये क्या बोल रहे हैं आप? साहब साहब साहब, सच कह रहे हैं साहब। बुखार आ गया? आज मेरे बच्चे क्या हुआ? डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा। कोई बात नहीं, ये बता क्या खाएगा बेटा? वो खाएगा, ला ये ले। और क्या खाएगा बेटा? चॉकलेट दो बेटे को। ये भी, ये ले बिस्किट। मेरे भाई कलेक्शन की जगह दान धर्म करके आ गया। ए, ताना मत मार, बेचारा गरीब था, कब से एक लड़के के लिए ट्राई कर रहा था, जिसकी जगह आप 4,000 रुपए में 4 लड़कियां पाल रहे। एक काम कर, उसके राशन कार्ड में अपना भी नाम चढ़ा दे। उसके बाद कहाँ गया? अंकल पापा ऑफिस गए, अब कल आना। अरे बेटा 1 बजे बैंक बंद हो जाता है, तू अपनी मम्मी को बुला, मैं उनसे ले लूंगा। और ये बल्लेबाजी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने उसको किसने मारा किया है। और ये सिक्स, हे चुपचाप मैच देखने तो देख, वरना ऐसा निकल जाए। बढ़िया बल्लेबाजी। और ये बॉटम हैंड का इस्तेमाल, जीत तो जाएंगे ना। ऑफ साइड पर धोनी ने शॉट खेल दिया है, वहां पर कोई फील्डर ना होने की वजह से बॉल बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। हाँ, और पहुंच गई। ऑफ स्पिन को अटैक मिलाते हुए। माँ जी आपके लिए खाना लगा दूं? अभी नहीं, मैच के बाद। आपको दिखाई तो देता नहीं है, बस सुनाई तो देता है। लगता है धोनी आउट हो चुके हैं। इस ओवर में मैच नहीं, आस्था चैनल देखो। एक बॉल और 4 रन चाहिए थे। क्राउड काबू से बाहर हो रही है। ईश्वर इंडिया को जिता दे, 5 नारियल चढ़ाऊंगी। जीतने के लिए चाहिए 4 रन। ये बाहरी किनारा और ये आउट। बहुत खाना भी नहीं खाया। तुम रो क्यों रहे हो? अगला मैच जीत जाएंगे। अंकल यही तो फाइनल मैच था। फिर क्या हुआ? होना क्या था, इंडिया टूर्नामेंट हार गई। वो छोड़, पैसे क्यों नहीं मांगे?
अरे अरे रोना बंद कर, अब और कितना रोएगा? एक मैच ही तो है, क्रिकेट के लिए बिल्कुल पागल हो गया है क्या? अब बस भी कर बेटा। परिवार जब दुख में डूबा हो तो कोई पैसे मांगता है क्या? इसलिए मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। ए, इस तरह से तो चवन्नी भी नहीं मिलेगी, धमकी देनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है। मैंने बोला था मैं तुम्हारी बाइक उठा लूंगा। हमारी बाइक मत लेके जाओ, ये बाइक मेरी बेटी को दहेज में देनी है। अगर तुम बाइक ले गए तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कैसे भी करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, मुझ पर रहम करो बेटा। कलेक्शन जरूरी है या फिर उस लड़की की जिंदगी? इमोशनल अत्याचार, पैसा सब नहीं होता। मतलब तूने कलेक्शन नहीं किया? अरे नहीं रे, मैं चेक लाया हूँ, देख। ये उस भीमाशंकर मंगलदास पांडे ने दिया है ना? हाँ। ये चेक बैंक में डालते ही जोर से बाउंस हो जाएगा, इतना जोर से तो बॉल भी बाउंस नहीं होती। उसके अकाउंट में 2 रुपए भी नहीं है, ये एक नंबर का फ्रॉड है वो। मतलब आज तूने कलेक्शन ही नहीं किया। कलेक्शन के नाम पे कुछ तो लाना था ना। किसी ने पैसे दिए ही नहीं। मैनेजर हम दोनों को लात मारेगा। चल अंदर। रवि, ये इतना चढ़ क्यों रहा था? बीवी से लड़के आया है। चल छोड़ यार, तू हिम्मत मत हार, दूसरी नौकरी मिल जाएगी, बी कॉन्फिडेंट। लूजर, ऐसे बोल रहा है जैसे मुझे निकाला हो। नौकरी से लात तुझे मारी है, मुझे नहीं। अरे मुझे मारियो, तुझे मारियो, बात तो एक है। ये बोल बच्चन बन कर यार, मैंने किसी तरह तेरे लिए नौकरी का जुगाड़ किया था लंबी लंबी फेंक के। इस नौकरी के लिए लोग लंबी लाइन लगाते, पता है क्या करूं मैं? पैरों में गिर जाऊं उसके? पैर में गिर जाएगा ना, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? बॉस अभी नया नया काम पे लगा है, छुप रहा है, टाइम तो चैंपियन बन जाएगा। नहीं रवि, ये पैसे कलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। पहले ही दिन बिना बोनी के चले आया। चल तू बता, तूने कितने लोगों से कलेक्शन किया? 4 बॉस। देखा, कलेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो मेरी तो अच्छी तरह से लग जाएगी ना, तेरे को तो मालूम है। जरा थोपड़ा देख इसका, एकदम भोला वाला लगता है। इसकी शक्ल देख के इसको कोई घाटा पैसा देगा? आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये कराटे का ब्लैक बेल्ट है। तू इतना बोल रहा है तो मैं एक और चांस दूंगा। अरे बाप रे, मेरी बीवी फोन कर रही है, आज उसका हैप्पी वाला बर्थडे है, मैं तो गया। रवि तू रहने दे भाई, तू बात और बिगाड़ देगा। फोन उठा के बोल, सर एक बहुत जरूरी मीटिंग में बैठे हुए हैं, जैसे ही फ्री होंगे आपको तुरंत कॉल बैक करेंगे, ठीक है? चल निकल। भाई यहाँ फोन मत उठाना, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। बाहर जाके बात कर, बैकग्राउंड में ट्रैफिक का साउंड आना जरूरी है, जा। ओके सर, काम हो गया, मैंने आपकी वाइफ को बोल दिया कि आप बियर बार में नहीं है। तुझे कहा था ना कि बोल दे मैं मीटिंग में हूँ। मैंने उससे कहा मीटिंग में, लेकिन वो फोन पे बात कीजिए। बेवकूफ, फंसा दिया तूने मुझे, ला इधर। हाँ डार्लिंग, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें बिना बताए पी ही नहीं सकता। क्या तो किया तूने? मैंने सिर्फ सच बोला। पागल है, सच कह रहा हूँ मैं, मेरा यकीन करो। आई लव यू ना, क्या मतलब? आखिर तुम चाहती क्या हो? जब देखो धमकियां देती रहती हो। मैं भी तुम जैसे औरत के साथ रहना ही नहीं चाहता हूं। बहुत हुआ, अब ये चक्कर ही खत्म कर देते हैं। तुमको डिवोर्स चाहिए ना? मैं खुद ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। सही है, अच्छे भले घर की बैंड बजा दी मैंने। हां तो मेरे ऊपर, अरे भरोसा ही नहीं है तुम्हें अपने पति पे, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, भाड़ में जाओ। चल निकलो, इसकी तो ऐसी की तैसी। मुझे धमकी दे रही है। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो, बाप की कंपनी से मुझे निकाल दिया तो, मैं तो बॉस से नौकर बन जाऊंगा। पहला मेरे पूरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्या करूंगा? आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। सर इतना पानी काफी है, और डालूं?
मैं तो कल ही समझ गई थी नौकरी तेरे बस की बात नहीं है। सिस्टर जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिलेगी तो मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं लाऊंगा। शक्ल देख 12:30 बजे है। छोड़ ना, तुझे कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी, ऐसी नौकरी मिलेगी जो तेरे लायक होगी। जीवा आज क्रिकेट खेलने नहीं आओगे? तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? मैंने नहीं छोड़ी, उन्होंने निकाल दिया। तुम्हें निकाल दिया? इसमें चिल्लाने की क्या बात है, धीरे से बोलो। उन्होंने निकाल दिया। सीरियस नहीं हो सकते? जॉब की बात सुनकर मैं कितनी मेरे खुश हुई। जॉब वॉब नहीं होने वाली। हेलो। हाँ जीवा। हाँ कौन? मैं प्रिया का पापा बोल रहा हूँ। हाँ अंकल बोल रहे हैं। तुम्हारे पापा कैसे हो बेटा? फाइन अंकल। आप जीवा देखो उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? इस वक्त कहाँ हो? प्रिया के साथ कॉफी शॉप में हूँ। क्या हुआ? बुद्धू हो तुम? क्या तुम इसी वक्त चेकर्स होटल में आ सकते हो? हम अभी अभी आए हैं यहाँ पर, प्रिया के साथ थोड़ा टाइम बिता लूँ उसके बाद आ जाऊँ। ओके, मैं ऊपर बार में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जल्दी आ जाना। ठीक है अंकल। क्या बोला उसने? बोला थोड़ी देर में आ जाएगा। गेम भजा दूँ? नहीं नहीं, आप उसे बस एक बार धमका दो, ये जानने के बाद कि आप मेरे क्लाइंट हैं वो मेरी बेटी का पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ देगा। सर आपके लिए लेटर है। साहब मेरा नाम मनी है, मैं सांगली का रहने वाला हूँ। मैं बिल्ला राणा के साथ 15 साल से काम कर रहा हूँ। उसके सारे काले काम, उसके सारे मर्डर्स, मैं उन सब में शामिल था। मैं चाहता हूँ आप मेरी अर्जी मंजूर करें और मुझे सुधरने का मौका दें। मैं सरकारी गवाह बनने को भी तैयार हूँ। भाई ठोका फोन पे है। भाई ठोका बोल रहा हूँ। जल्दी बोल। मनी अभी अभी अपने ससुराल आया हुआ है। बोलो उसका क्या करने का है। किधर भागता है? रुक, को छोड़ने का था इसलिए लेट हो गया, सॉरी। ड्रिंक या कुछ लोगे? ड्रिंक चलेगी। तो एक ऑरेंज जूस मंगवा लूं? इससे क्या होगा, मैं खुद ऑर्डर कर देता हूं। एक्सक्यूज मी, मेनू कार्ड। $2,000 से महंगी ड्रिंक नहीं है? नो सर। एक लार्ज ब्लैक लेबल लेंगे। ओके सर। तुम इनको जानते हो जीवा? नहीं सर। हेलो सर। बिल्ला राणा डुगाबट्टी, नाम तो सुना ना तुमने? हाँ सुना। बस ये वही है। तो पहले बताना चाहिए था भाई। हाथ मिलाओ एक बार, हाथ तो मिलाओ मेरे से। मैं तो आपसे कब से मिलना चाह रहा था, आपको कौन नहीं जानता? महेश ने मुझे आपके बारे में सब बताया। मैं तो आपसे खुद मिलके बात करना चाहता था। याद है पिछले हफ्ते आपके कजिन मंतेश की शादी थी, आपने लड़की के गहने और लोगों के खाने का इंतजाम किया था, लेकिन आप खुद ही उस फंक्शन में नहीं आए। हम वेट ही करते रह गए। हम तो आपके घर इन्विटेशन कार्ड भी देने गए थे, पर आप घर पर भी नहीं थे, सिर्फ दीदी मिली। उन्होंने क्या हलवा बनाया था, सुपर्ब, एकदम मस्त। मंतेश तो आपके किस्से सुना सुना के पकड़ डालता था। और वो क्या नाम है उसका, हाँ सत्तू, उसके मर्डर के बारे में भी बताया जिसको आपने भगा भगा के मारा। और उसने तो ये भी बताया कि आपसे बड़ा स्मगलर कोई है ही नहीं। और वो इंस्पेक्टर रवि शिंदे, उसको भी आप ही ने उड़ाया था।
और हाँ, वो बाबू जलेला जिसको 2 साल पहले आपने जलाया था, वो पहले आपका आदमी था, बाद में उसने आपको धोखा दिया तो आपने उसे जला के मार दिया। आपके इतने बड़े कारनामे सुन के मुझे हाँ दैवान का विरोध करना याद आता है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या सर, ये तो अपना आदमी है। ए छोटे। हाँ भाई। ये अपने मंदेश का दोस्त है। हाँ, अब उनको लगा ही था। मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। मैं तो आपसे कई बार मिलना चाहता था लेकिन आप कभी मिले ही नहीं। वैसे मैं आपसे कब से एक बात पूछना चाहता था। क्या पूछना है? उस सरोजा के बारे में जिस पर आप लट्टू थे। अरे छोड़ना बात को। बताओ। अरे रहने दे। बताओ ना, पहली बार कहाँ देखा था उसको? मैंने पहली बार उसे मैरिज हॉल में देखा था। देखते ही लट्टू हो गया। सच कह रहे हो? दिल की बात बोल डाली। मैं और प्रिया भी मैरिज हॉल में मिले थे। अंकल दो पनीर टिक्के और एक लार्ज ड्रिंक मंगवाई ना प्लीज। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा नो वेटर। हाँ सर, दो पनीर टिक्का और एक लार्ज। बिल्कुल। जीवा तू मुझे बहुत अच्छा लगा, कल घर पे आके खाना खा। ठीक है भाई। भाई अभी फैमिली में, बाद में फोन कर। इसके बाद साले की ऐसी बजाई कि आज तक ढोल की तरह बज रहा है। क्या हुआ दीदी? आज परसों बाद इन्हें हंसता देखा मेरा दिल भर आया। सही बोल रही है, जिस दिन से मैंने चाकू उठाया उस दिन से जैसे हंसना ही भूल गया। वहां कुछ से जैसे नफरत हो गई है, हर एक को अच्छे बुरे की नजर से ही देखता हूं। सब डर की वजह से मेरी इज्जत करते हैं, दिल से कोई नहीं करता। बो आज जाके मुझे अंदर से सुकून मिला, मुझे तू बहुत अच्छा लगा। बोल तुझे क्या चाहिए? थोड़ा और पनीर मिलेगा? पनीर तो से बाहर है। ऑपरेशन कामयाब रहा, वो आधे घंटे में होश में आ जाएंगे। हम उन्हें कुछ देर बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। बस साला बच कैसे गया? मुझे तो लगता है वो अपना मुंह खोल देगा। तू अपना मुंह बंद रख। चिल्ला मत, जब देखो बकवास करता रहता है। चल साले को टपका डालते हैं। यार पब्लिक प्लेस है, बेकार में लफड़ा हो जाएगा। तो तू क्या चाहता है, पुलिस आकर हम सबको पकड़ ले? सही बोला, आज हार या पार साले को टपका कर आता हूं। ए हम लोग अंदर नहीं जा सकते, अंदर पुलिस वाले बैठे हैं, उन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। मुझे अंदर नहीं जाना। ओ, तो नहीं होगा ना। संभल के जाना। मैंने दवा लिख दी है, आप जाके ले आइए। ठीक है, चल। बोलो प्रिया। पापा कैसे हैं जीवा? ठीक है, अभी सो रहे हैं। तुम्हारे साथ और कौन? अकेला हूँ। हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ एक ही आदमी रह सकता है, इसलिए मैंने मम्मी और कीर्ति को घर भेज दिया। भाई मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसके फोन करके बताना है। मेरे फोन बैलेंस नहीं है, तुम्हारा फोन दो ना प्लीज। थैंक्स भाई। ए हाँ बोल। फर्स्ट फ्लोर पर आकर लेफ्ट लेके राइट लेना, ठीक है? वार्ड नंबर 13। हथियार साथ में है ना? हाँ साथ में ही है। बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा।
सुपारी लेके गेम बजा डालते हैं, उनको बोलते हैं, अपना काम भी अच्छे से हो जाएगा और कोई लोचा भी नहीं होगा। तेरा मामा किसी को बोलेगा तो नहीं? बस क्या, भंटा है वो मेरे सगे मामा है, तू टेंशन मत ले, वो अपने को धोखा नहीं देंगे। और जल्दी ले आ। मत रो बेटा, आज शाम को मैं तुझे मटन पुलाव खिलाऊंगी, आ जा। क्या मम्मी? आ बाला। मामा घर पे है ना? हाँ है ना। उनसे मिल के आता हूँ। हाँ हाँ मिल ले। क्या बाला, तू पहले भी आया था ना? हाँ मामा। दीदी कैसी है? माँ ठीक है मामा। ये तेरा दोस्त है? हाँ दोस्त है। बैठ 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 ना। दो दिनों से आपको फोन कर रहा हूँ, आपका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। एक मैटर के लिए बाहर गया हुआ था, इसीलिए फोन बंद, इसीलिए फोन बंद था मेरा। घर में कोई लोचा है क्या? नहीं, लोचा कुछ और हुआ है मामा, डर लगता है कि हम जेल में ना चले जाए। आजकल के लड़कों का यही पंगा है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेते हैं। कोई लो मैटर है? नहीं मामा। तो फिर मैटर कर दिए किसी का? ए, बोला। हाँ मामा। सच बोल रहा है? अपन का दोस्त एक लड़की के साथ लव करता था, ये बात लड़की के घर वालों को पता चल गई तो उन्होंने उसकी पढ़ाई वढ़ाई छुड़ा दी। अब वो बेचारा रोने लग गया अपने पास आके कि उसको कुछ भी करके उस लड़की के साथ रहने का। तुमने कहा था ट्रेन 7 बजे की, ऐसे ही खड़े रहे तो ट्रेन छूट जाएगी। सर सर प्लीज सर, वो बस आ ही रही है, प्लीज सर 5 मिनट और उसके बाद हम सब निकल ही जाएंगे। मुझको क्या है, ट्रेन छूट गई तो मुझसे मत कहना। सर सर वो आ गई है, चलो सर। हमने लड़की को भगा के उसकी और मेरे दोस्त की शादी फिक्स कर दी। चलो जल्दी बैठो। अरे अरे लेकिन ये है कौन? सर, नहीं नहीं सर, मैं सर नहीं जाऊंगा, मैं सब बताता हूं। अरे लड़की को अगवा करके ले जा रहा हूं। मत कीजिए सर, सर ये गलत काम है। अरे नहीं सर, लवर है सर, किडनैप किया ना सर, प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूं सर। सर मेरा अभी यहां से चलिए ना सर, सर प्लीज। टैक्सी वाले ने दिमाग की दही कर डाली, मचमच कर रहा था कि वो पुलिस को बता देगा, तो हमने हाथ पैर जोड़ के उसको मना लिया और फिर लड़की और दोस्त को अपने साथ ले आए। सुन, टेंशन नहीं लेने का, शादी की सारी तैयारी कर ली है, मंदिर वालों को भी बता दिया है, मैं जाके ड्रेस लेके आता हूँ, तुम लोग आराम करो। हाँ ठीक है, ओके। डरो मत, अपना ही घर समझो, बैठ जा। बंटा मैं जाके ड्रेस लेके आता हूँ। अच्छा सा लेकर। मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे वापस घर छोड़ दो। अरे डर किस बात का, सब मेरे दोस्त ही तो हैं। पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। वाली दिखने में माल है यार। ए, वो अपनी भाभी की तरह है। आनंद क्या कर रहे हो, ये सब अच्छा नहीं है, पहले शादी तो हो जाने दो। लगाओ, मुझे शर्म आ रही है, छोड़ो ना, तुम्हारे दोस्तों ने अगर देख लिया तो क्या समझेंगे, छोड़ो ना। अरे क्या कर रहे हो।
के कचरे के ढेर में फेंक दिए, लेकिन पुलिस को इस बारे में पता चल ही गया और पेपर में भी इसके बारे में न्यूज़ आ गई। टैक्सी ड्राइवर इकलौता गवाह था, इसलिए हमने उसे भी मारना चाहा, पर साला बच गया। पुलिस को तो बिना सर की बॉडी मिली थी, फिर तुमने ड्राइवर को क्यों मारा? जहां पर हमने सर फेंका उस जगह पर अच्छे से ढूंढा, लेकिन सर नहीं मिला। अगर पुलिस को वो सर मिल गया तो वो ड्राइवर पक्का मेरे बारे में बता देगा, इसलिए मैं सब समझ गया। ड्राइवर ड्राइवर कहाँ? जीवा, जीवा भैया अंदर हैं, आओ बैठो। ये जीवा की बहन है। हाय। आओ अंदर आओ। देर मत करना, लड़के वालों को अगले हफ्ते घर बुला लो। जीवा। हाँ बोल। पापा ये क्या, ये वही प्रिया है? हाँ पापा। आओ अंदर आओ। ए कौन है? तुम्हारी होने वाली भाभी है। बैठो। क्या लोगी प्रिया? हाँ? टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक? कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो लो। नहीं थैंक्स। एक काम करो, चाय लेके। ए हाँ पापा, तू भी जा। अब दर्द कैसा है अंकल? दर्द तो है, 3 दिनों से शेव तक नहीं किए। तुम मिलने आई हो और मैंने शर्ट तक नहीं पहनी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझ पे हंसना चाहते तो हंस लो। जीवा एकदम आपकी तरह बात करता है। वो बिल्कुल मेरी जेरॉक्स कॉपी है। तुम सुनिए जी, आज खाने में शिमला मिर्ची बनाऊं या गोभी बनाऊं? अभी मेरा खाने का मन नहीं है। ऐसा मत कीजिए, बताइए ना। तुम्हारी फेवरेट भिंडी है ना, भिंडी बना लो, तुम भी खुश मैं भी खुश। खानी खुद को है, नाम मेरा। ये मेरी बीवी है, इसने तुमसे बात तक नहीं की ना, बस अपने काम पर ही ध्यान लगा रहता है इसका। वैसे ये बताओ, मेरा बेटा कैसे लगता है? मतलब जीवा पसंद है ना तुम्हारे पापा को? पता नहीं अंकल, आजकल तो वो मुझसे बात तक नहीं करते, इसीलिए मैं भी बात नहीं करती। उन्हें जीवा पसंद नहीं है? पर मैं जीवा को पसंद करती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं जीवा से ही शादी करूंगी। तुम जीवा को कब से जानती हो? हाँ, क्या अंकल? मैंने ये पूछा कि तुम जीवा को कब से जानती हो? 4 months। और तुम्हारी उम्र कितनी है? 22। तो जीवा के साथ और 22 साल गुजारने के बाद अगर तुम ये कहो कि उसने तुम्हारा तुम्हारे माता पिता से ज्यादा ख्याल रखा, तब मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी भी शादी के लायक है। खैर जो भी है, शादी होगी तो माँ बाप की खुशी से ही होगी। सॉरी अंकल।
शादी होगी पक्का। जीवा हाँ बाबा, देखना कौन है। हेलो राम, मैं मनी बोल रहा हूँ। अंकल मैं जीवा बोल रहा हूँ। अब तुम्हारे पापा कैसे हैं? अभी तो काफी ठीक हैं। हाँ वो क्या है ना बेटा, आज 10 तारीख हो गई, अपनी माँ को याद दिला देना कि उन्हें किराया देना है। ठीक है बोल दो। पिताजी का ख्याल रखना। मकान मालिक का था। जाके माँ से पैसे ले लो। ठीक है। अरे बेटा कैसे आना हुआ? किराया लाया हूँ। लाइट बिल भर दिया ना? लाइट बिल पता नहीं है, मम्मी से पूछना पड़ेगा। किराया, लाइट का बिल, दूध का खर्चा, राशन, दवाइयों का खर्चा, किराने के पैसे, पेपर के पैसे, गैस सिलेंडर। समझ में नहीं आता लोग इतने पैसे चुराने के बाद रहते कैसे। नमस्ते मिश्रा जी। क्या किसी भी अंतर-पंत्र को नमस्ते बोल रहे हैं? सारे फैमिली वाले हैं। आजकल मैं फैमिली वालों को भगवान की तरह पूछता हूँ। अब पता नहीं ये क्या रोना लेके आया। खर्चा करवाएगा और कैसा दोस्त, चाय बोलूं क्या? तेरे मुंह से ये सुनने के लिए तुम तरस गया था? ऑर्डर कर भाई। तू आज कुछ ज्यादा ही बदला दिख रहा है। हाँ मैं बदल गया हूँ, अब मुझे काम करना है। कौन सा काम करना है? वो अपना कलेक्शन वाला काम। अरे रहने दे, जब से मैनेजर का तलाक हुआ है ऐसे देख रहा है जैसे भूखा सांड मुझे खा जाएगा। मैं तेरी सिफारिश नहीं करूंगा। ए, सुन रे, अपनी सिफारिश अपने पास रखना। मैं जानता हूँ मुझे काम कैसे मिलेगा। सर 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 प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। सुनो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम इस काम के लायक ही नहीं हो, कोई और काम करो। प्लीज प्लीज सर। देखो मैं बोल रहा हूँ, मुझे तंग मत करो। पता नहीं कहाँ कहाँ करने के लिए। नमस्ते सर। ठीक है बैठ जाओ। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? मेरी बाइक कहाँ है? ए सिक्योरिटी साहब इधर आ। यह बाइक खड़ी थी मेरी, कहाँ है? पता नहीं यहीं खड़ी थी सर। आप नंबर तो बताइए सर। अरे कितनी बार नंबर बोलूं, काले रंग की है बताया ना, आप कंप्लेन लिखिए। हाँ सर। अरे ये तो मेरी बाइक है। ये रही आपकी बाइक। ए तू क्यों ले गया था? सर मैं भी अब बाइक उठाना सीख चुका हूँ, प्लीज एक चांस दो ना मुझे सर। ठीक है जा। थैंक यू सर। जा। जिस लड़की की लाश मिली उसको रेप करने के बाद बेरहमी से मारा गया था। पुलिस को अभी भी कातिलों का पीलो कॉफी है, जिसकी वजह से छानबीन नहीं हो पा रही है। आज सुबह ही पुलिस को एक लड़की का सर कोवम खाड़ी में कटा हुआ मिला। माना जा रहा है कि शायद ये उसी लड़की का सर है जिसे रेप करने के बाद मारा गया था। इससे पुलिस को इस केस में काफी मदद मिलेगी। ACP राजेंद्र शर्मा ने अपील की है कि जिसे भी इसके बारे में कुछ भी पता हो वो आके पुलिस स्टेशन में बताएं। बताने वाले का नाम और पहचान गुप्त रखा जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो पापा। कहाँ है बेटा? जॉब पर हूँ। अभी घर आ सकता है? क्यों पापा? हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है। तू जल्दी घर आ जा। ठीक है आता हूँ।
पूरा यकीन है? हाँ सर, पूरा यकीन है। वो मेरी ही टैक्सी में बैठे थे, लड़की के साथ दो लड़के भी थे। एक बात बताओ, उनकी उम्र क्या होगी? उनकी उम्र यही कोई 18 के करीब होगी सर। एक लड़का उसका लवर था और दूसरे ने खुद को उसका दोस्त बताया था। वो जो दोस्त था वो उसका रंग काला था और उसके नीगरों जैसे घुंघराले बाल भी थे। देखा, बस साले टैक्सी वाले ने पुलिस को बुला लिया। साले को तभी काट देना चाहिए था। तेरी वजह से तेरी मुंह। चुप कर, क्या बोल रहा है तू ये? अबे सही तो बोल रहा हूँ। ए मामा, शॉट में क्या तेरा मामा? जल्दी का काम हमेशा ऐसे ही होता है, प्लान फुल प्रूफ होना चाहिए। सॉरी मामा। ड्राइवर के घर में फंक्शन है, वो साला जरूर बाहर आएगा, तभी टपकाएंगे साले को। कीर्ति, अपने होने वाले पति को अच्छी तरह से देख ले, वरना अपनी माँ की तरफ शिकायत करते रहेगी कि तू शादी से पहले उसे ठीक से देखा नहीं। क्या आप भी? अरे भाभी जी, आजकल नया जमाना है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैंने कुछ गलत कहा क्या? अच्छा, हमें आपका परिवार बहुत पसंद आया। आप लड़की को जो देना चाहती है दे सकती है, हमें एक अच्छी सी बहू चाहिए और कुछ नहीं। हम अपने पंडित जी से बात करके शुभ मुहूर्त निकाल लेंगे। लो फिर तो सारा मसला ही हल हो गया। आप बस तारीख निकालिए, हम आपकी बहू को आपके घर भेज देंगे। भाप क्यों खा रही हो? पास आओ ना। अच्छा मुझे घर छोड़ दो, बस यही यहाँ। ओके बाय। कॉफी पी लो। नहीं नहीं, फिर कभी, तुम जाओ। आओ ना, कोई नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है। ऐसी वैसी हरकत करना अलाउड नहीं है। बिहेव योरसेल्फ, ओके? ठीक है, पर थोड़ी बहुत चीटिंग तो अलाउड है? नो। क्या यार, तुमने बोला और मैं घर में अंदर आ गया, और उसके बाद भी तुम मुझे एक किस भी नहीं दोगी? चलो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है बाबा, ऊपर आओ। हाँ फिर ठीक है, अभी आया। ये हुई ना बात। ये क्या, घर वाले आ गए? ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना ये किस उधार है। बाय जीवा। किसने चाहिए तुम्हें? हाँ गाड़ी आगे लगा दो, चलो अंदर चलो। नमस्ते। नमस्ते जी, मुझे आपकी दुकान का एड्रेस मेरे एक दोस्त ने बताया था, उसने कहा था कि जीवा कार्ड जाएंगे हम लोगों को। ये कार्ड देख, पसंद करके नीचे रख दो। हाँ पता था, तुम दोनों को अच्छी चीज पसंद ही नहीं आती, खुद ही पसंद कर लो। भैया ये कैसा रहेगा? वैलेंटाइन्स डे का कार्ड है ये, रख। चुप करो, बेकार में तुमसे पूछा। ये देख, बेकार है। ये वाला अच्छा लगता है। कीर्ति, कीर्ति आओ। ये कैसा है बताओ, अच्छा है ना? अच्छा है पापा। हमें ये वाला कार्ड लेना है। कितने छापने? 300। ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए, जैसे छप जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, कार्ड एक बार बन जाए फिर मैं लेने आ जाऊंगा पापा। हाँ हाँ। ₹1000 एडवांस दे दीजिए, बाकी छपने के बाद।
आईनेट लगा दिया इस पे मैंने, संभाल के। ये काला बाजार का पुल है, ये काला बाजार का पुल है। हाँ बोल, रेडी रहना, वो निकल चुका है। ओके ओके, तूने इतने कम कार्ड क्यों छपवाए? कार्ड वेस्ट करने की जरूरत नहीं पापा, मैं एसएमएस करके लोगों को बुला लूंगा। हेलो, मैं कार्ड की दुकान से बोल रहा हूँ सर। यहाँ से अभी आपने कार्ड लिया है? हमने आपके लिए फ्री गिफ्ट रखा है। आता हूँ पापा, पापा पापा, वो कार्ड वाला कुछ गिफ्ट करा, मैं लेकर आता हूँ। चल जा। चलो शुरू हो जा। हे चलो चलो, बोतलें उठा लो, जल्दी करो। ला मुझे दे। मरने से पहले पापा का एक एक्सीडेंट भी होता रही, मुझे लगता है किसी ने उनका मर्डर किया है। ऐसा क्यों लगता है?
पापा ने एसीपी को एक लड़के का हुलिया बताया था, और जहाँ पापा का खून हुआ वहाँ बिल्कुल वैसा ही लड़का मौजूद था। मुझे अच्छे से याद है, मुझे पक्का लगता है। हाँ हेलो सर, बैठिए। बैठो। चाय लेके आना। माफ करना, ऐसे हालात में मुझे आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर उस लड़की के केस में मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा। मैंने छानबीन भी की, पापा के मर्डर से पहले तुमने किसी को देखा जिस पर शक हो, ऐसा कोई जो उनसे मिलने आया हो? डू यू हैव अ डाउट ऑन एनीवन? तुमने अपना नंबर किसी को दिया था या तुम्हें कोई कॉल आया था? अच्छे से सोचो, एक छोटा सा सुराग भी हमारे बहुत काम आ सकता है। मैंने अच्छे से सोचा सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। साहब थैंक्स। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम एक मामूली परिवार से हैं, अगर पुलिस यहाँ रोज आती रही तो। अब बस सर, पापा गवाह बने तो उनकी जान चली गई, प्लीज सर और डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे पिता का खून किया है। जो होना था हो गया है, पापा वापस आने वाले तो नहीं है, घर वाले डर रहे हैं कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। अगले महीने मेरी बहन की शादी है। चलो थैंक यू। जीवा तूने किसी को देखा है, वो पुलिस को बताया क्यों नहीं? इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने से अपना ही नुकसान होगा रवि, एक लड़के और लड़की को बेरहमी से काट कर मार डाला, पापा गवाह बने तो उन्हें भी मार दिया। कातिल बहुत जालिम है, इंसान के भेष में जानवर है, जानवर। जीवा जल्दबाजी में गलत फैसला मत करना। मैं इसलिए चुप नहीं रहा कि मैं डरता हूं, एक पापी बार बार पाप करता है, वो जब तक खुले घूम रहे हैं समाज को उनसे बहुत खतरा है, कल किसी और की जान जा सकती है। तो ऐसे में तू क्या करेगा? संभल के जाना, समझ गया ना? हाँ। अरे टिफिन लिया, टिफिन लिया ना? जिस तरह से तू बता रहा है जीवा, मैंने ऐसे मर्डर के बारे में आज तक नहीं सुना रहे। उन्होंने प्लानिंग के साथ चाकू पे साइनाइड लगाया ताकि तेरे बाप को बचने का कोई चांस ना हो, फुल प्लानिंग थी। मुझे लगता है ये मर्डर करवाने के लिए उन्होंने कोई प्रोफेशनल किलर की मदद ली होंगी। ये छोटे, हाँ भाई, अपने शहर में साइनाइड किलर कितने? 50 के ऊपर होंगे। जितने भी उठा के ले गया। ठीक है, चल जा, जा। तू फिकर मत कर, अपन पता लगा लेंगे। ठीक है। अपन को पता नहीं दादा, अपन तो जया सेठ के काम से बाहर गया था, पिछले एक महीने से गोवा के पंजिम बीच पे बैठा है। ये छोटे, जया को फोन लगा के पूछ रहे। दादा अपने पे भरोसा नहीं क्या? बस क्या बे खस के ले, तू मेरे को मामू समझ के ले क्या? दादा मेरे समझ दे। दादा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ ना, वो कल्लू की बीवी भाग गई थी ना, उसको अपुन नहीं भगाया था दादा। चाहो तो मैं अभी उसकी जोरू को फोन लगाता हूँ। ये लो दादा। ए, बात कर इससे। हाँ भाई। हाँ बोल। सब लोग को उठा के लेके आया। तू जग्गू के साथ भागी थी ना? जीवा सब शाड़ों को उठा के लेके आया, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते। तूने उस दिन किसी को देखा था ना, जरा पहचान तो। देखता हूँ। भाई वो सच बोल रहा है। ए, ए, चल लाइन में खड़े रहे, लाइन में। ए, तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? लाइन में आ, चल। सलाम भाई। आजा दड़ियल, चले चल कट ले। क्या धंधा कैसे चल रहा है? मस्त चल रहा भाई, पिछले हफ्ते नागपुर में बड़ा गेम बजा के आया। कैसे याद किया भाई? लिबर्टी बाजार में एक अंकल का मर्डर हुआ था, गेम कौन बजाया?
पता नहीं भाई, अपन तो अंडरग्राउंड थे। तिलक नगर का लोचा हुआ जब से अपन इधर गेम ही नहीं बजाता। जो भी करता है इधर से बाहर ही करता भाई। हाँ भाई, जग्गू सच बोल रहा है। कुछ पता चले तो मुझे मोबाइल मार। बरोबर, समझ गया भाई। ठीक है निकल, चल। सलाम भाई। चल मासी। अरे वो चिन्नी चोर राजा किधर है? भाई इनमें से कोई कुछ नहीं, एक मर्डर हुआ है भाई ने, इसलिए तुम लोग को बुलाया है। जो पूछेगा ठीक ठीक बोल देना। सर ये मैंने अपने भांजे के कहने पर किया, बाकी के चार लड़के उसके दोस्त हैं। उस बाला को अभी फोन लगा, हेलो। हाँ बोलो मामा। कहाँ है तू? अभी कॉलेज से छुट्टी हुई, घर को जा रहे हैं मामा। वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। कुछ खास काम है क्या मामा? आके बताता हूँ। हेलो, क्या हो रहा है? अरे मामा का फोन था, वो बोल रहे हैं कि अभी मुझसे मिलने आ रहे हैं। अबे हट गई क्या उसकी? तेरा मामा साला क्रिमिनल है, पुलिस ने साथ देखा तो लग जाएगी। फोन कर और मना कर उसको। तेरे को मामा की याद आ रही है तो तू जा। फोन मत उठाना। ए, सीधे खड़े रहे, फोन नहीं उठा रहे। तेरा मामा फंसवाएगा साला, जब भी मुंह खोलेगा बकवास ही करेगा। जरूरत पड़ी तो मामा को भी टपका डालेंगे। ए चुप यार, मामा ने कितनी मदद की है हमारी। ए मामा आ गए रे। हा? मैं अभी आता हूँ। ए रिश्तेदारी मत निभाना, जल्दी बढ़ा उसको। हाँ। मत देख। मेरे को कुछ लोचा लग रहा है उसके मामा का मुंह देख। क्या हो गया मामा, चेहरे पे चोट कैसे लगी? कोई लोचा हो गया क्या? बोलो ना मामा, क्या हुआ? ऑटो चला। चल 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 चल।
शफी के जनाजे को कंधा भी नहीं दे पाया मैं। पुलिस पकड़ती तो पकड़ ले, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। बाबू बाबू ए बंटा क्या कर रहा है यार, जल्दबाजी मत कर, मारेंगे साले को, बाप से भी ज्यादा बुरी मौत मारेंगे। बाला शफी अपना दोस्त था, ऐसे कैसे जाने देंगे उसको? अरे मैं तो उसके खानदान को सिर पे छोकरे लोग कौन है रे, प्लानिंग करेंगे साली की। मेरे को खून के आंसू आ रहे हैं। चल बटले टपकाएंगे उसको। हाँ बोल जीवा। भाई मैं सुबह से आपको फोन लगा रहा हूँ लेकिन लगे नहीं रहा। अबे मैं दरिया में था, वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है। क्या हुआ? मैंने आपको बताया था ना, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? वो सागर नगर का था। सागर नगर में अगर आप किसी को जानते हैं तो जरा उनसे पूछ के देखिए, शायद कुछ पता चले। वहाँ का कॉर्पोरेटर मेरा अच्छा दोस्त है, पूछ के बताता हूँ। जल्दी हो जाएगा जीवा, मैं खुद उसे फोन लगाता हूँ। भाई चार पांच छोकरे यहाँ पे किसी की मौत का शौक मना रहे हैं। हेलो हेलो जीवा। हेलो। हाँ भाई तू अभी किधर है? कब्रिस्तान में, जहाँ उस लड़के को दफना रहे हैं। जो छोकरा कल मरा उसके चार और भी दोस्त हैं क्या? हाँ भाई। क्या वो सब 18-19 साल के बीच के हैं? हाँ भाई। यहाँ चार छोकरे अपने दोस्त की मौत का शौक मना रहे हैं, बहुत दारू पी रहे, मुझे थोड़ा डाउट आया इसलिए पूछा। आप इस वक्त कहाँ हैं? तुझे बम्मनवाड़ी पता है क्या? नहीं पता भाई। ए फिरोज। हाँ भाई। जीवा को यहाँ पे आने का रास्ता बता। चल। हेलो जीवा, 221 नंबर की बस पकड़ ले और लास्ट स्टॉप पर उतर जा। वो छोकरे। हाँ भाई। ए छोकरे लोग, तुम लोग कहाँ रहे थे रे? सागर नगर भाई। सागर नगर? हाँ। तुम लोग का जो दोस्त मरा वो भी सागर नगर का ही था? कैसे मरा वो? एक्सीडेंट में ना, ट्रेन के एक्सीडेंट में। ए भरे क्या जवाब दे? ये तू क्या जनसंख्या गिन रहे? चल जाना जाके मछली पकड़।
भाई रे, जब पूछा उसका जवाब दे। ए बनी दुर्गा, हथियार निकाल, आलम जल्दी आ रहे। ए ए बालू, बालू चल चल, ए भाग रे। इधर ही कवर खोदूंगा इनकी। फिरोज, बाहर निकलो। उन्ना रुक जा,